हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की 28 तारीख और आज की रात की अपडेट जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने घर पे क्या सीन हो रहा है आज। तो आज को मैं बताने वाला हूँ कि मेरे घर पे कबूतरी ने अंडे भी दिया, आज अंडा दिया है, एक अंडा जो है दिया है। और आपने वीडियो गौर से देखी होंगी, देख रहे होंगे आप, अभी जस्ट फोकस किया होगा तो आपको अंडा दिख गया होगा। ठीक है, किसको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी आपने शॉर्ट वीडियो देखी होंगी आज की, और मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था आज आपके लिए। ठीक है, तो शोक करें दोस्तों, अभी तो मैं घर पे आया हूँ और मेरा नाम है सागर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सागर बर्ड केयर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे घर के कबूतर। तो चलिए आइए दोस्तों, अभी जोस्तों जो है अपन कबूतरों को अभी जस्ट जो दाना पानी रखने वाले, और देख पा रहे होंगे शोक करें दोस्तों, ये जो मादी ए वाले जोड़े ने अपने घर के अपना अंडा दे दिया है मादी ने। और देख पा रहे होंगे मादी जो है वहाँ पे बैठी हुई है अंडे के ऊपर, और ये सफ़ेद कबूतरी ने भी जो है अंडा रख दिया है। और उसका मालिक जो है अपने घर पे सवेरे आया, सुबह आया था, बोल रहा था कि मैं लेके जाता, बोले उसको उसका अंडा जो है सरकाना पड़ता अपने को, तो देखना पड़ेगा उसका क्या है तो सी। ठीक है दोस्तों, तो इस जोड़े के अपने पास दो बच्चे हैं अभी। ये बच्चा जो है यही जोड़े का बच्चा है, ये वाले जोड़े का बच्चा, ये एक बच्चा इसका है, और ये वाला लाल जो बच्चा आप देख पा रहे हो वहाँ पे दब के बैठा हुआ है वो है बस। तो ये दो बच्चे अपने को ये जोड़े के मिले हुए हैं, और मैं अभी करने वाला हूँ इनको जल्दी से दाना पानी। और जो है ना अपना ये इधर का जो ये जो सीन है अपन जो बना रहे थे, ये जाली जो है इसको बांधने वाला हूँ मैं तार से, फिर इसका टुकड़ा जो निकलेगा ये इधर से बांधूँगा, और यहाँ से जो है ऐसा काट के जो है जाली इसको बांधने वाला हूँ। तो आज ये काम जो है अपन करने वाले हैं रात में, क्योंकि कबूतर बाहर निकलेंगे नहीं, और कुछ कबूतरों को मैं बंद करके रखने वाला हूँ, कबूतरों को बंद रख दूँगा। ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ दो कबूतर ये बीमार है। ठीक है, तो बीमारी जो है वो आती जाती रहती है, और वो जो मादी है वो सोखे में चली गई दोस्तों, ये वाली। तो इसके जो अंडे आपको पता होगा मैंने क्या करा इसके अंडों को, तो और मेरे भी तबीयत अच्छी नहीं है दोस्तों, मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है, थोड़ा सिस्टम मेरा भी हिला हुआ है, मेरी भी सर्दी जुकाम हो गया है मेरे को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इनको अभी डालता हूँ दाने। तो ये गेहूँ है अपने, ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे अपने कबूतरों को। तो ये आ गए दोस्तों भागते हुए दाना खाने के लिए कबूतर अपने। तो जाग दो बाग उतर गया, नीला उतर गया, ये लाल चीना उतर गया, जागचिनी वादी उतर गई, ये चपड़ा, इसको पाकिस्तान में कुछ तो भी नाम है दोस्तों कबूतरों को, लाल वाले कबूतरों का कुछ तो भी नाम है पाकिस्तान में, कुछ तो भी नाम के बुलाते हैं हमारे इधर उसको, लाल चीनी बोलते। ये काला चीना उतर चुका है, ये जागचिनी वादी भी उतर चुके हैं, ये जागचिनी वादी जो है इधर आ चुकी है, ये नर जो है उठक रहा था अभी इसके ऊपर, और ये मादी जो है इसका मसला थोड़ा प्रॉब्लम में आ चुकी है दोस्तों। ये जो है मादी, तो इसको भी दवाई देना पड़ेगा, उसकी दवाई जो है मैं लाना वाला हूँ। तो शोक करें दोस्तों, अभी मादी जो है अभी इधर कबूतर जो अपने दाने खा रही है, मादी मार झगड़ा कर रही है ये वाली, और ये जागची का बच्चा भी थोड़ा ये भी बीमारी है थोड़ा, ये वाला जो है ये पेटी के नीचे घुस रहा है वो वाला, ये जिससे घुसती है। ठीक है, तो ऐसे कबूतर अपने जो है ना कुछ बीमार कुछ ठीक, कुछ बीमार कुछ ठीक, ऐसे ही चल रहे प्रॉपर। सब के सब कबूतर जो है ना एक तरह से चल नहीं रहे, सब ठीक है, सब ठीक ही है भाई, बीमारी बीमारी है नहीं, बीमार जो है वो चलती रहता, बीमारी तो है ही है रहती है दोस्तों। तो कल जो है रात में जो है ना दोस्तों बिल्ली घुस गई थी इसके अंदर, उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। शोक करें दोस्तों आप कबूतरों का मेरे, तो ऐसे ही हो गया था दोस्तों सीन। ये देखिए यहाँ पे नाच रहा है, और ये जोड़े के हो गए अंडे, नर हो गया शांत मादी बैठी हुई अंडों पे, जो नर मादी को भगा रहा था इधर उधर इधर उधर, और वो भी मादी जो है ना अंडे पे जाके बैठ रही है, और दूसरा भी अंडा जो है मादी ने ये वाले दे दिया है दोस्तों। ये जोड़े ने जो है दूसरा भी अंडा जो है मादी ने आज रख दिया है, तो देखेंगे अभी क्या करते थे उसका, किसी ना किसी के नीचे जो है ना उसको सरकाना पड़ेगा अंडों को, तो मादी जो है उसको उसको वापस दे देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सही है वो तो लेके जा रहा वो।
अभी 2-3 दिन वो बीमार हो गई थी, थोड़ी सोखते में चली गई थी, तो उसको ठीक किया मैंने। उसने घर लाया बोलती उसके लिए अच्छा कबूतर, उसने लाया सफ़ेद कबूतर है ढूंढकारा उसके लिए लाया उसने, वो सफ़ेद माली के लिए जो ये जागने को लगी हुई है, ये वाले कबूतरों को, ये वाली जो माली बैठी हुई है कन में सफ़ेद वाली, जिसकी माली है उसने एक माली उसने नर लाया हुआ है उसके लिए लगाने के लिए, अच्छा नर है वो। तो वो बोल रहा था कि मैं उसके साथ में बच्चे निकालूंगा भैया उसके वाले, इसलिए मेरे को वापस दे दो। ठीक है दोस्तों, शोक करें तो वो बच्चा भी जो है वहाँ पे बैठा हुआ है दब के थोड़ा, तो ये देखिए दोस्तों शोक करें कबूतर का। तो आज मैंने दिया था इनको चूने का पानी, चूना पिलाया था इनको थोड़ा सा, तो चूना भी दिया रहा हूँ मैं 2-3 दिन अभी लगातार देने वाला हूँ, देखूँगा क्या रिजल्ट मिलता है अपने को, कबूतरों में क्या बोले तो बेहतर है कि नहीं बेहतर, बोले तो अच्छा रहता कि नहीं रहता कबूतर उससे। दोस्तों कबूतर जो है दारे नहीं उठा रहे थे, तो मैंने सोचा कि भाई कबूतरों को पानी रख दूँ, चूने का पानी जो है मैंने कबूतरों को रखा हुआ है, और कबूतर उसमें घुस चुके हैं, पानी जो है बच्चे दौड़े, बड़े कबूतर जो है देख पा रहे होंगे आप पानी पी रहे हैं, पानी का कलर जो है ना सफ़ेद हो गया है दूध की जैसे, कबूतरों को कैल्शियम की कमी के कारण मैंने जो है मैंने सोचा कि भाई कैल्शियम कबूतरों को बुरा हो, तो हफ्ते में 2 बार दिया करें अपन, देते जाएंगे अपन कबूतरों को 2 हफ्ते में 2 बार चूने का पानी, ठीक है, जिससे कबूतरियों में अंडो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और मल्टीविटामिन की कमी नहीं होगी, ठीक है, मल्टीविटामिन सिरप भी लाने वाला हूँ मैं, जिसके वीडियो भी बनाऊंगा और आपको दिखे ही बताऊँगा कि कैसे देना पड़ता, क्या करना पड़ता, मैं कैसे देता हूँ, क्या करता हूँ। और मक्का भी लाने वाला हूँ दोस्तों, अगले रविवार को जो है मक्का आएगा, मक्का लाऊंगा मैं 10-8 किलो, 30 रुपये किलो से, 30 रुपये किलो से मिलता है दोस्तों हमारे इधर, तो 10 किलो लाने वाला हूँ मैं, अभी कितने का होता है तो देखेंगे अपन, 250-300 रुपये का तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, 10 किलो 300 रुपये का होगा, 30 रुपये से, ठीक है। तो शोक करें दोस्तों बच्चे का, यहाँ पे बच्चा जो है पानी में बैठा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा बच्चा, अपना घर का जो तीसरी चौथी गली का बच्चा है और फुल नाचता है घर की जैसे, शोक करें दोस्तों जागदोबाज का, ये यहाँ पे नाच रहा है जागदोबाज, देखिए दोस्तों शोक करें जागदोबाज का, देखिए दोस्तों जागदोबाज है अपने घर का सीढ़ी वाला, थोड़ा उसका जो पर है डबल का आया हुआ है उसको वहाँ से, तो पर जो है वो लंबा हो गया थोड़ा सरक गया है वो। कल जो है ऐसे वीडियो बनाते समय जो है बच्चे अपना बिल्ली का बच्चा जो है घुस गया था पिंजरे के अंदर, सांप मारी थी उसने कबूतरों को डरा दिया था, ठीक है, तो वो आपने वीडियो देखे होंगे दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे कबूतर जो है अभी बैठे हुए हैं, कुछ कबूतर जो है पानी पीने को भी नहीं आए, दाना खाने को भी नहीं आए, और मादी जो है अंडों पे से नहीं उतरी है, अभी अंडों पे बैठी हुई है वो, और नर जो है यहाँ पे नाचता हुआ सामने। तो मैं अभी बनाने वाला हूँ दालचीनी का पानी, और जो है ना दालचीनी और अदरक का पानी बनाता हूँ मैं, और वो जो है कबूतरों को दूंगा अभी, और कबूतर जो है उसको देखता हूँ मैं क्या अपने को क्या रिस्पॉन्स देते हैं उस दवाई का। वैसे तो वो मादी को मैंने दिया था, ये वाली मादी को, तो मेरे को थोड़ी बेहतर लग रही है वो, इतनी भी पर फुला के नहीं बैठ रही है अभी, पर जो है उसने दबा के बैठ रही है, थोड़ा सा पर जो है उसके दबे हुए हैं, ठीक है। नीचे की मादी भी जो है अभी अंडे देने वाली है दोस्तों, ये वाली मादी, तो इसके भी अंडे आने वाले हैं, तो देखेंगे अभी कब कितने दिनों में देती है, जो 2-3 दिन में जब उसने अंडा दिया तो फिर अपना जो है काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वो मैं सफ़ेद कबूतरी के अंडे डाल के इसके नीचे बच्चे निकालूंगा, इसके नीचे निकालने वाला हूँ दोस्तों, ये जोड़े के नीचे नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये जोड़े के बच्चे जो है मेरे को चेक करने गए कि इससे क्या निकल देता हूँ। तो ये नर जो है हीट पे है दोस्तों बहुत ज़्यादा,
ये देख पा रहे होंगे इसको खन है दोस्तों। इसका खन जो है ये नीचे वाला है, ये बच्चे वहाँ पे बैठा हुआ है, जाग बच्चा और लाल बच्चा जो बैठा हुआ है, तो वो खन जो है ये नर का है। तो वो जोड़ा क्या करता, खन छोड़ के जो है भाग जाता ऊपर। ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए दोस्तों इसको मैंने बड़ा किया मेरे हाथ से, थोड़ा जो है ना वो कमजोर है बस, बाकी चल रहा है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा वो, उसकी ताकत आएगी, उसके परों में उड़ेगा फिर। ये जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जोड़े में की जो मादी है दोस्तों वो सोखे में है, उसका थोड़ा पोट साफ करना पड़ता है। देखता हूँ मैं कल सुबह जो है दाना देने के पहले जो है उसके पेट में पानी भर के थोड़ा उसका पेट जो है अपन साफ करेंगे, गर्म पानी निकाल देंगे, कुछ मसले होंगे उसके पेट में तो वो भी ठीक हो जाएगा फिर। इन्फेक्शन फिर इन्फेक्शन होगा तो उसका भी दवाई जो है मैं देखने वाला हूँ, अभी करने वाला हूँ मैं, सोखे की दवाई जो है लाऊँगा और जो है इनको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बैठी है दोस्तों कबूतर अभी यहाँ पे, बच्चा आ चुका है पानी पीने की, और नीचे जो है चूना बैठ चुका है नीचे, चूना जो है दोस्तों एकदम से पानी में घुल के नहीं रहता, और थोड़ी देर के बाद में जो है वो जो है वो नीचे बैठ जाता चूना। देखिए दोस्तों ये कबूतर भी आ चुका है यहाँ पे पानी पीने की, बड़ा वाला अपना, इसकी मादी के अंडे आप देखे होंगे, इसके मादी का इसका बच्चा भी निकला हुआ है जो सोके में अभी चल रहा है, अभी अपने घर पे है वो, तो सोके में वो थोड़ा बीमार है वो, उसका बच्चा भी। तो ये नर का उधर गया, ये नर जो है वो पानी के ऊपर का, ठीक है। तो अच्छी वीडियो यही तक ही थी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होंगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मादी ने अंडा दे चुका है, दे दिया है, मैंने बोला था आपको कि मादी अंडा देने वाली ही है, अभी नर बैठा हुआ है, मादी जो है दाना खाने को आएंगी नीचे, और मैं दाना डालता हूँ थोड़ा सा और फिर जो है कंटिन्यू करता हूँ, या फिर वीडियो जो है आज की यही तक ही थी। वीडियो अच्छी लगी होंगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, आज ना कल मेरा पिंजरा गेट बनने वाला है, और मैं कबूतर को उड़ा के बताऊँगा आपको मेरे घर के क्या कितने टाइम उड़ते, क्या उड़ते, कैसे सेटिंग करूँ, या मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो वो जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, गुड नाइट।